क्या नहीं खाया? अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, हम डॉक्टर होते तो बता दिए होते, अपना इलाज ही कर लिया होता हमने। अभी क्या दिक्कत है? जो दिक्कत थी वही है, पेट का दर्द नहीं कम हो रहा है। ज्यादा खा लिया? ज्यादा नहीं, हमने एक दिन 3 टाइम चावल खा लिए थे। चावल हमें एक टाइम पसंद थे, 3 टाइम खा लिए थे। अभी इस बीच काम चलता रहा तो इधर आने में दिक्कत लगती थी, खाना बनाने में इधर दिक्कत लगती थी। काम चल रहा था, ज्यादातर हमने दाल ही चावल खाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय के नाम से। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने घर में खुशहाल होंगे। बट मैं नहीं खुशहाल हूँ और मैं स्वस्थ भी नहीं हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही। आज आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मेरे बोतल वगैरह सब कुछ चढ़ रही थी, तो मुझे लगा शायद फायदा हो जाएगा। मेरी 4 दिन वहाँ दवाई चली, मुझे कुछ भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। रात को जब लेटते हैं तो सुबह से फिर दर्द शुरू हो जाता है पेट में, और वोमिट सी लगती रहती है पेट में दर्द। जब बैठते हैं तो और ज़्यादा वोमिट सी लगती है, चलते हैं तब भी पेट में दर्द होता है। तो आज देखो, हम हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं दिखाने, देखो वहाँ वो क्या बताते क्या नहीं। मैंने तो बोला कि पहले मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराओ, बट वो बोल रहे हैं पहले आप दिखाओ आके, तो हम पहले दिखाएंगे जाके, देखो क्या होता है क्या नहीं। मैंने अभी तक तो कुछ खाया नहीं, हो सकता है अल्ट्रासाउंड से मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जो है जाएंगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, फिर आप लोगों को बताएंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वहाँ से तो उन्होंने यही बताया था कि स्वेलिंग है और जो है इन्फेक्शन, जो बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन में अल्सर अल्सर हो अल्सर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस जो कि मतलब घाव हो जाते हैं किडनी में, वही बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे उसके इंजेक्शन भी लगाए हैं, बोले फ़ायदा होगा इतने में ही हो जाएगा। तो हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, 4 दिन हो गया, वहाँ दूसरी जगह जाएंगे दिखाने। तो ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, आप लोगों को बताएंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल और मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं मेरे नाम का पर्चा। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो मुझे बुलाएंगे डॉक्टर। गाइज, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, दोपहर के बज चुके हैं 3, तो मैंने सोचा खिलाओ खाना पैक करवा लिया जाए। ये होटल मिला मुझे रोड पे, रास्ते में उधर से हॉस्पिटल से आते हुए, तो मेरे हस्बैंड करवा रहे खाना पैक। तो मैंने लिया है खाने में दाल मखनी और रोटी मेरी सेक रखी थी, मैंने सुबह ही बना रखी थी। देखिए दोस्तों, ये दवाई खाई जा रही है, दवाई खाने में अभी दिक्कत होती है इन्हें, तबीयत बहुत जल्दी सही हो जाए। ये देखो, दो टेबल लेते हैं, दो अलग अलग रखती है ना, इसी पे रख लिए सुबह शाम के। दो टैबलेट में खाने में इन्हें इतनी दिक्कत हुई है, ये देखा कि हम हॉस्पिटल गए हुए थे और हॉस्पिटल से आए तो फिर हमने सीधे नहाया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, अभी जाके मैंने खाना हुआ। इतना सर दर्द हो रहा था मेरा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, एक तो टेंशन हो रही थी कि पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। तो फिर मेरा अल्ट्रासाउंड भी पहले डॉक्टर ने चेक किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया, तो ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि मुझे जो है सूजन है और जो है किडनी में एक पथरी भी है, पथरी पर नली में जा चुकी है, अब मतलब निकल रही है पथरी नली में, पेशाब की नली में है अभी, तो इसके लिए मुझे करवाना होगा एक्सरा।
एक्सरे ये लिखा है उन्होंने, अब देखो वो भी आज या कल में जाएंगे करवाने, कल ही जाएंगे बाद से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो। और ये सारी दी हैं दवाइयाँ इन्होंने, सिरप भी दिए हैं, ये दवाइयाँ भी दी, सारी दवाई दी हैं। पता नहीं गाइस भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है। एक तो वैसे ही इतना परेशानी, हम ज़्यादा परेशानी किसी से शेयर नहीं करते हैं ताकि अपनी परेशानी खुद झेल लो, क्योंकि कोई दूर नहीं करता। तो पता नहीं भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए हॉस्पिटल में, के हॉस्पिटल में करवाया है ये। तो गाइस प्लीज़ आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करिएगा। और पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है मेरे साथ। ये देखिए मेरा अल्ट्रासाउंड, ये रहा अल्ट्रासाउंड मेरा। और आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़, ताकि मैं और अच्छे से वो कर सकूँ अपना सब। अब जो है तो है, अब करवाएंगे दवाई, ठीक होएंगे। अब ये तो शरीर है, कुछ भी हो जाता है। तो गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल पे। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।